प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन किया। आधुनिकी के मामले में अब भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। हालांकि 5G इंटरनेट सेवा अभी लखनऊ समेत 13 शहरों में ही रहेगी, धीरे धीरे करके ये बाकी शहरों में लाया जाएगा। बता दें कि ये शुरुआत रिलायंस जियो की तरफ से दिवाली के मौके पर की जाएगी। दुनिया के कई देशों में 5G सेवा का पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत में अभी इंटरनेट स्पीड का क्या हाल है और भारत के ग्रामीण इलाकों में 5G इंटरनेट स्पीड को पहुंचने में कितना समय लगने वाला है। दुनिया के कई देशों में 5G सेवा का पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंटरनेट स्पीड की बात करें तो सबसे तेज इंटरनेट सऊदी अरब में उपलब्ध कराई जा रही है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में लगभग 414.2 MBPS की डाउनलोड स्पीड मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलती है। अगर भारत में इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो भारत के गाजियाबाद जिले में 50.9 MBPS की डाउनलोड स्पीड मिलती है। अगर पूरे देश की बात करें तो अभी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से औसतन 30 से 35 MBPS के बीच स्पीड यूजर्स को मिलती है। देश के कोने कोने में 5G इंटरनेट को फैलाने के लिए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है। जियो ने देश के हर गांव में 5G इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। हालांकि इसे अभी दूर की कौड़ी में माना जा रहा है। तकनीकी जानकारों के अनुसार गांव-गांव में इस सेवा को पहुंचाने में अभी कम से कम 1.5 साल का समय लग सकता है। वहीं मोबाइल कंपनियां भी दावा कर रही हैं कि वो दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सेवा को पहुंचा देंगी। जानकारी दे दें कि वायरलेस तकनीक की हर जनरेशन ने यूजर्स को कुछ न कुछ अलग और बेहतर दिया है। 5G टेक्नोलॉजी में काफी कुछ बदलने वाला है। ये तकनीक उपभोक्ताओं को काफी कुछ नया देने जा रही है। 5G नेटवर्क से सेल्फ ड्राइविंग कारों की कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। सर्वर और फोन के बीच संचार और बेहतर होगा। बता दें कि जब पीएम मोदी ने 5G तकनीक का उद्घाटन किया तब देश के 3 प्रमुख दूर संचार ऑपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की क्षमता देखने के लिए प्रधानमंत्री के सामने कई तकनीकों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में पीएम के सामने हाई सिक्योरिटी राउटर, साइबर थ्रेट डिक्टेशन प्लेटफॉर्म, आनबू पॉइंट जैसी 5G तकनीकों का अनुभव कराया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस दौरान कहा है कि उन्हें गर्व है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस को अब एशियन मोबाइल कांग्रेस और ग्लोबल मोबाइल कांग्रेस बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि दिसंबर 2023 तक देश के हर तालुका तक जियो 5G की सेवा पहुंच जाएगी। तो वहीं दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दूर संचार के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टेलीकॉम गेटवे है, डिजिटल इंडिया की नींव है, यह हर व्यक्ति तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का माध्यम है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।